दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विस्टम से। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। अब बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे हाइब्रिड तो म्यूचुअल फंड की सीरीज में फिर से एक नई वीडियो है। यहाँ पे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो पूरी वीडियो एंड तक बिल्कुल देखिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सर यहाँ पे अगर हम बात करें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इसका मतलब होता क्या है? अब जैसे कि आपको ये पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है क्या करती है, जैसे एज एन इंडिविजुअल, मैं अगर एज एन इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी कंपनी में, किसी म्यूचुअल फंड में मैं अगर अपना पैसा डिपॉजिट करता हूँ, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, मेरे पैसे को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में उसको जमा करेगी, डिपॉजिट करेगी, और उससे कहीं ना कहीं एक मुझे रिटर्न जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है सर? अगर मार्केट गिर जाए नीचे, मार्केट अगर नीचे चला जाए, उस कंपनी के शेयर्स नीचे जाना शुरू हो जाए, उस केस में मुझे नुकसान के चांसेस होंगे। तो उस लॉस को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें एक इसकी अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, कंपनी के ना कि केवल इक्विटी शेयर्स में बल्कि कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उसमें भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि कंपनी का जो डिबेंचर है इसमें आपको मिलता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि आपका पैसा सेफ हो गया और साथ में एक आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं, आपका पैसा सेव भी हो जाता है और आपको एक रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाया करता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में। अब यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पे है एक तो एग्रेसिव और दूसरा कंजर्वेटिव। एग्रेसिव है, ये है इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब कि इसमें जो आपके पैसे होंगे, जो इसमें एलोकेशन होगी, इक्विटी में ज्यादा होगी, डेट में थोड़ी सी कम होगी। और यहाँ पे डेट ओरिएंटेड, यहाँ पे डेट में थोड़ी सी ज्यादा होगी और इक्विटी में कम होगी। जिससे कि फायदा क्या होता है, अगर इक्विटी में आपका पैसा ज्यादा लग रहा है वहां पर रिटर्न थोड़े से ठीक ठाक मिल जाया करते हैं, और अगर डेट में आपका पैसा लग रहा है उस केस में आपको रिटर्न तो ठीक ठाक नहीं मिलेंगे, बट यस आपका पैसा एटलीस्ट सेफ रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है। तो वहां पे नुकसान के चांसेस भी कम होते हैं। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंपैरिजन। कुछ कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स मेरे पास में है जो कि हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, और हम देखेंगे कि कंपनीज के उन म्यूचुअल फंड्स ने कितने का रिटर्न दे रखा है और उसमें और भी कुछ चीजें क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे, ये है BOI एक्सा मिड एंड स्मॉल कैप। यहाँ पे इक्विटी एंड डेट दोनों ही है। तो यहाँ पे इसकी जो लॉन्च डेट है ये है 20 जुलाई 2016। इसकी NAV 31.83। इसका जो नेट एसेट है ये केवल 597 CR है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो कैटेगरी है ये हाइब्रिड। नाउ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये है 5000 की, कम से कम 5000 इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें SIP की, SIP मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर एक महीने आप म्यूचुअल फंड्स में SIP डिपॉजिट करते हो, ये 1000 रुपए से आप शुरू कर सकते हो। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, यहाँ पे 0 to 1 में ये है 1%। एग्जिट लोड का मतलब क्या है कि जब आप पैसे विड्रॉ करोगे वहां से, तो अगर आप एक साल के अंदर में विड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे आपको एक चार्ज होता है जो कि एग्जिट लोड इसको बोलते हैं, दिस इज 1%। अगर एक साल से ऊपर हो चुके हैं उस केस में यहाँ पे निल है। नाउ रिटर्न कितना दे रखा है इसने, एक साल में 37.7% का रिटर्न। पिछले 3 साल में, यहाँ पे पिछले 3 साल का ये एवरेज रिटर्न, पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है ये 25.8%। 5 years का एवरेज रिटर्न ये है 20.7%। एंड अगर हम बात करें जब से ये लॉन्च हुआ तब से 16.7% का एक रिटर्न इसने दे रखा है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट। लॉन्च कब हुआ था, ये है 3rd of November 1999। इसकी जो NAV है ये कितने, 315.06। नेट एसेट ये है 29,816। तो यहाँ पे नेट एसेट भी एक अच्छी वैल्यू है। जो कैटेगरी है ये हाइब्रिड इक्विटी। एंड अगर हम बात करें इसके रिस्क में, तो रिस्क यहाँ पे मॉडरेट हाई है, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट कम से कम कितनी की चाहिए होगी, कम से कम 5000 की इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे जो SIP है, 100 रुपए से इसकी SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें भी जो एग्जिट लोड है 0 to 1 year, यहाँ पे 1% है। एंड एक साल से ज्यादा के लिए यहाँ पे निल है। नाउ हम बात करते हैं रिटर्न की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न की। यहाँ पे 1 year में 29.9%, पिछले 3 साल में 25.3%, पिछले 5 साल में 19.9%, एंड ये जब से लॉन्च हुआ है 15.3% का इसने रिटर्न दे रखा है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न है, 15% प्लस का रिटर्न है, एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न है। नाउ अगर हम बात करें HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, लॉन्च कब हुआ था, 11th of September 2000। NAV 435.66। नेट एसेट 73,349 CR की इसकी नेट एसेट है। कैटेगरी है डायनेमिक एलोकेशन। एंड इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये है 5000 की, और इसकी जो SIP है, SIP आप स्टार्ट कर सकते हो 300 रुपए से, केवल 300 रुपए से SIP इसकी स्टार्ट हो सकती है। एग्जिट लोड है 0 to 1 year, यहाँ पे 1%, एंड एक साल से ऊपर यहाँ पे निल है। चलिए हम बात करते हैं ड्यूरेशन रिटर्न की। एक साल में 33.1%,
3 साल में 24.4%, 5 साल में यहाँ पे ये 18.3%, एंड जब से लॉन्च हुआ तब से 18.5% का इसने रिटर्न दे रखा। तो एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे 18% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड। लॉन्च कब हुआ था? 2 जनवरी 1995। एनएवी है 332, एंड अगर हम बात करें इसके नेट एसेट की 5215 CR, एंड जो कैटेगरी है यह है हाइब्रिड इक्विटी। इन्वेस्टमेंट कितने के चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 की, मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोट 0 to 12 months यहां पे है 1%, एंड अगर हम बात करें उससे ज्यादा उससे आगे के लिए निल है। नाउ रिटर्न 1 साल में 25.6%, 3 साल में 18.7%, 5 साल में 15%, एंड जब से लॉन्च हो तब से लेकर के अभी तक 15.1% का एक रिटर्न इसमें मिल चुका है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे निपॉन इंडिया। एक काफी फेमस ये म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया। लॉन्च कब हुआ था? 8th of June 2005। एनवी है इसकी 87.8972, एंड नेट एसेट ये है 3311 CR। कैटेगरी है हाइब्रिड इक्विटी, एंड अगर हम बात करें इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये है 500 रुपए से, इसकी 500 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। SIP 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं इसकी आप, ठीक है? तो सबसे कम SIP है 100 रुपए की, 100 रुपए से इसकी SIP आप शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की 0 to 12 months यहाँ पे कितना है 1%, एंड उससे ज्यादा के लिए यहाँ पे निल है। नाउ अगर हम बात करें इसके रिटर्न की, रिटर्न कितना है? 1 year में यहाँ पे 24.6%, 3 साल में 17.9%, 5 years में 10.8%, एंड जब से लॉन्च हो तब से लेकर के अब तक यह इसने 12.4% का रिटर्न। तो वैसे भी ठीक ठाक है, 10% एवप है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है? नाउ हम बात करते हैं आज के लास्ट म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है, इसमें एक लास्ट एक और कंपनी मैंने ऐड कर रखी, यह है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। लॉन्च कब हुआ था? 14 नवंबर में, 3rd of November 2014 की। एनएवी इसकी कितनी है? 50.424। नेट एसेट है 4814 CR। कैटेगरी है इसकी हाइब्रिड इक्विटी, एंड अगर हम इसकी बात करें जो इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 5000 से। इसकी SIP है 1000 रुपए की, कम से कम SIP लगेगी। एग्जिट लोड है यहाँ पे 1%, 0 to 1 year, एंड 1 year से अबव दिस इज निल। रिटर्न की हम बात करें, 1 year का रिटर्न है 20.5%, 3 साल का 16.4%, 5 साल का 16.7%, एंड जब से लॉन्च हो तब से लेकर के अब तक 12.1%। सो यहाँ पे कुल मिलाकर के कुछ 7 companies 7 म्यूचुअल फंड्स थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करे। और एक बार आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे अच्छा कौन सा लगा। वैसे तो पता ही है कि जो हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की, तो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न किसमें मिला। तो वैसे अगर मैं बात करूं, सबसे जो अच्छा रिटर्न हमें मिला था ये 18% के आसपास का एक रिटर्न था, ये है 18% का रिटर्न। तो वैसे तो ओवरऑल जो एक अच्छा रिटर्न मिला तो हमें इसी कंपनी में मिला। ये कंपनी थी आपकी HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ग्रोथ। इतनी सारी कंपनीज में एक ये कंपनी है जिसमें कि अप्रॉक्सिमेटली 18% के आसपास का ओवरऑल रिटर्न मिला है। आप मुझे बताइएगा कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ठीक लगा, एंड बाकी आपके जो भी सजेशन होंगे वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बिल्कुल, ये वीडियो फिलहाल बस यहीं तक की है। वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।